निवेदन जोगिया के ग्राम पंचायत सबुई सबुआ लखनपारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पद्माकर शुक्ला रहे, जिसके नोडल विकास खंड अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव और ग्राम प्रधान अनीता गुप्ता फूलचंद की अध्यक्षता में संचालन मणिराम वर्मा ने किया। विद्यालय के छात्रों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत की सरस्वती वंदना से किया गया। अतिथि पद्माकर शुक्ला द्वारा आवास लाभार्थी को चाबी का प्रतीक दिया गया। भारत संकल्प यात्रा के एलईडी वैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह एलईडी वैन जो गांव गांव में जा रही है, यह मोदी की गारंटी है। विकास में अब कोई गांव दूर नहीं है रहेगा और व्यक्ति को सभी सरकारी सुविधा मिलेगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार, गैस एजेंसी, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल निगम के स्टार लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया तथा वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्टॉल पर अतिथि पद्माकर के द्वारा गोद भराई व बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। चौपाल में उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि यह भारत का अमृत काल चल रहा है और आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी डबल इंजन की सरकार गांव में जाकर योजनाओं का लाभ पात्रों तक उनके घर पहुंचा रही है तथा गांव में चौपाल लगाकर सभी को योजनाओं का लाभ दिला रही है। जो पात्र किन्हीं कारणों से छूट गए हैं उनका उसी गांव में ही चयन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा रही ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। आज मोदी है तो गारंटी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। आपके गांव में आपका विधायक अधिकारी आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए तथा योजनाओं का लाभ बताने के लिए स्वयं आते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम नहीं है, सभी अधिकारी आपके गाँव में है। हमारी सरकार की जो भी योजनाएं आई, चाहे वह सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन की बात हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है ताकि आपको सरकार की योजनाओं के लिए कहीं जाना ना पड़े। अधिकारी गांव में आकर उन योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचावे। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की बात हो या किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, जो पात्र है उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले। कोई भी गरीब परिवार सरकार की किसी भी योजनाओं से वंचित ना रहे, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या आवास हो या पात्र गृहस्थी के तहत राशन देने का कार्य हो। यदि वह पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। अतिथि ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत एडीओ पंचायत ओम प्रकाश चौधरी, एडीओ कोऑपरेटिव प्रदीप कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी मणिराम वर्मा, ग्राम प्रधान फूलचंद, रोजगार सेवक गिरधारी लाल, पंचायत सहायक भगवान मौर्य लेखपाल, महेंद्र कुमार गुप्ता, कृषि विभाग से अवधेश कुमार लखनपारा में, प्रदीप कुमार ग्राम विकास अधिकारी, मनोज कुमार ग्राम प्रधान, अनीता वर्मा प्रधान प्रतिनिधि, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पूनम उपाध्याय पंचायत सहायक, गोल्डी मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, क्षेत्रीय गांव की जनता मौजूद रही। मैं नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरा ग्राम सभा लखनपारा है। आज आपके यहाँ संकल्प यात्रा की बैन आई हुई थी जी, ये बैन गांव वालों को कितना फायदा देती रही है और कितना जागरूक करती रही है? नहीं, बैन जो आई है बैन अपना समुचित कार्य करके गई है। सारे गांववासी जो यहां आए थे जिनको सरकार की योजनाओं का फायदा जानकारी नहीं थी, वो सभी लोग जानकारी लेकर के गए और उसी अनुरूप अपना विकास करेंगे। बैन का उद्देश्य था कि जो है अंतिम व्यक्ति तक भारत की सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनको जन जन तक पहुँचाना था। जैसे आपके ग्राम पंचायत में विकसित भारत मुख्य अतिथियों द्वारा कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी दी गई? हमारे ग्राम सभा में विकसित संकल्प भारत यात्रा में राशन कार्ड की योजना दी गई है, पीएम किसान की दी गई है, स्वास्थ्य सुविधाओं का आयुष्मान कार्ड का दिया गया है और जो भी लाभार्थी परक योजनाएं थी सबके बारे में जानकारी दिया गया है।